10,040 फीट की ऊंचाई पे है भाई ये टनल। तो जो कलर वाले जितने झंडे हैं उसके पीछे रीजन यही है। बाम्बू लगा हुआ है यहाँ से रोहतांग पास 21 किलोमीटर है, बट स्नोफॉल हो रहा है। पहाड़ों में मैगी खा रहे हम लोग। सिप लाइन का पूरा लाइन से काउंटर है। कैसा था भाई? गुड गुड अमेजिंग। बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन पूरा रोड यहाँ का मेंटेन करता है। हम लोग को बर्फ दिखी हुई है रास्ते में। बर्फ क्या बात है बच्ची, एंट्री ले ले लिया। You are my lucky charm. I hold you close in the night in my arms. And when we open our eyes, my worries fade away. Good morning, good morning, good morning from Manali. Good morning, good morning from Manali. Oh, तो ये हमारा गैलरी का व्यू और गाड़ी नीचे पार्क हुई रखी है। ये गंदी हो गई है, इसको देखना है यहाँ पे कहीं अगर सर्विस सेंटर मिले तो इसको वॉश कराने का। अभी टाइम हो रहा है 10:30 और नाश्ता हम लोग ने कर लिया है। नाश्ते में किया है बुर्ची एंड ब्रेड, प्लस इन लोगों ने चाय पिया है, हमने पिया है कॉफी। आज का ये प्लान है कि आज हम लोग जाने वाले है अटल टनल के बाद जाएंगे हम लोग सीसू के बाद हम लोग जाएंगे किनार ड्राफ्टिंग लेह लद्दाख हाईवे पे। किनार ड्राफ्टिंग से यू टर्न लेके हम लोग जाने वाले है रोहतांग पास की तरफ। चिल्ला चिल्ला के सब कुछ बता दे। देखो कितना अच्छा लग रहा है, इसके पीछे का राज बताओ। ये बात पूरा याद आती करना पड़ता है ब्लॉग के लिए, करना पड़ता है। अभी आपने गैलरी का व्यू देखा, अब मैं दिखाता हूँ आपको हमारी विंडो से व्यू। खाया रेस्टोरेंट टाइट होकर घूमेंगे फिर एकदम एक एक क्वार्ट लगाएंगे अपन। मेडिसिन एस्टोराइड नहीं है। सारे लौंडे फ्रेश हो रहे हैं, तुम भी आते फ्रेश होते उसके बाद आपसे मिलते हैं। वासलीन लगाना जरूरी है, अगर आप यहाँ आ रहे हो तो अपने प्रिकॉशन का जरूर ध्यान देना। चाबी भूल गया। और हम लोग रुके हुए हैं होटल नारायण। अगर बजट ट्रिप कर रहे हो तो जो होटल हम लोग ने बुक किया होटल नारायण, उनकी हॉस्पिटैलिटी भी बहुत अच्छी है, तो आके वहीं रुक जाना। ये है कुल्लू नगर मनाली रोड पे होटल नारायण, वहाँ से व्यू बहुत मस्त आता है। अटल टनल जाने के लिए मनाली से 28 किलोमीटर है और 1 घंटे का रूट है पूरा। अटल टनल जाने से पहले आपको पड़ेगा सोलांग वैली, जहाँ से हम लोग अभी घाट चढ़े वहाँ से 7-8 किलोमीटर है। हमारे होटल से था 11 किलोमीटर। अगर रोहतांग आपको जाना है तो रोहतांग जाने से पहले आपको परमिट लेना ही पड़ेगा रोहतांग जाने के लिए। सोलांग वैली और अटल टनल के लिए परमिट नहीं लेना पड़ता है। रोहतांग जाने के लिए रास्ता अभी क्लोज है, 4x4 है तेरे पास तो शायद छोड़ देगा। इनकेस जब आप आओगे खुला रहेगा तो टूरिस्ट कार बुक करोगे तो वो लोग खुद ही एडजस्ट कर लेते हैं अपना परमिट वगैरह का। मनाली से बाइक से राइड करने का सोच रहे हो तो यहाँ पे बहुत सारी ऐसी जॉब्स वगैरह है, वहाँ से आप रेंट पे बाइक ले सकते हो। अटल टनल के तरफ बर्फ को हाथ लगाना। अटल टनल अभी अभी जस्ट हाल ही में 2020 में ओपन हुई है। कैसे समझाओ तुम्हें मेरा पहना पहना। ये लोकल बस है। ये जितना भी आप देख रहे हैं बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन पूरा रोड यहाँ का मेंटेन करता है। जाओ भाई जाना है तो तुमको जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये यूपी से आयला बंदा खींच रहा है, मान ही नहीं रहा पेट्रोल गाड़ी खींचे जा रहा है खींचे जा रहा है खींचे जा रहा है। हम लोग अभी पहुंच चुके हैं जस्ट अटल टनल। लाइन में चल। नहीं कभी नहीं देखा हम लोग ने। रुका हम लोग उतरे हैं अटल टनल के पास ही, पहला एक्सीडेंट। साइड लगाना। ओ
यहाँ पे चेकिंग करते चलती है क्योंकि एक्स्ट्रा फीलिंग नहीं चलती आगे। हम लोग पहुँच चुके हैं अटल टनल रोहतांग, ये साउथ पोर्टल 10,040 फीट की ऊंचाई पे है भाई ये टनल। क्या बात है बच्ची, एंट्री ले ले लिया। अभी हम लोग अटल टनल पे हैं। इंडिया का लार्जेस्ट टनल है ये, 10,040 फीट के ऊपर ये बना हुआ है और इसकी ओपनिंग हुई थी 2020। Oh my god, so we are at Atal Tunnel North Pole। अच्छा ये है अटल टनल, यहाँ से आप निकलोगे तो, और ये है चंद्रा ब्रिज। साउथ पोल में पड़ेगा कुल्लू मनाली डिस्ट्रिक्ट, और जैसे ही अटल टनल क्रॉस करोगे आपको लग जाएगा लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट। लाहौल LAHAUL, नॉट लाहौर, लाहौल। पहले पैन था नीचे जाने का, लेकिन अभी और आगे जाएगी। सनग्लास है सर जी, हाँ भाई है। पीछे का व्यू देखो यार, बराव 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 बराव। अटल टनल के बाद हम लोग जा रहे हैं सिसु, ये तरफ सिसु। अटल टनल से जैसे ही आप आगे निकलोगे सिसु जाने के लिए, तो वहाँ पे ज़्यादा डेवलपमेंट फी बैरियर है, वहाँ पे आपको अपने टिकट कटानी पड़ेगी आगे जाने के लिए, जो कि कार की है 200, बाइक की है 100। पहली MH की गाड़ी हम लोग को मिली है पूरे शिमला मनाली में, पूरे हिमाचल में एक्चुअली। भाई क्या ही व्यू है यार, क्या ही व्यू है। थोड़ी देर भागा पूरा गरम गरम, सामने बर्फ है, चूके आ जाओ क्या। हम लोग रुके हुए सीसू जाने वाले रास्ते पे, हम लोग को बर्फ दिखी हुई है रास्ते पे, हम लोग को सिर्फ बर्फ छू के आना यार। ए बर्फ चूरी है, बर्फ चूरी है, जमी हुई है, जमी हुई है भाई, जमी हुई है, जमी हुई है, फ्रीजर वाली बर्फ है, सूखा बर्फ नहीं। तेरे लिए लाया मैं, ये तेरे लिए बर्फ लेके आया, बा कसम। पत्थर मार रहे हैं, सीधे रहे, देख हाथ रे, नूर आ रहा है, नूर आ रहा है, गोला बना रहे क्या, गोला बना रहे क्या, हाँ भैया काला कट्टा, भैया काला कट्टा। इंतजार करो, आजा 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 आजा, शाम होने आई। यहाँ पे हो रही है, हम लोग यहाँ रुके होते यहाँ पे लैंडस्लाइड होने लगी। अब वहाँ गाड़ी खड़ी हुई है, यहाँ मैं हूँ, अब मेरे को इतनी दूर से घूम के जा क्या कर सकते हैं, शॉट तो लेना है। और पीछे का व्यू चेक करिए, अभी हम लोग ले मनाली हाईवे पे हैं और यहाँ पे किरनार ट्रैफिक में रुके हुए हैं, जा रहे नीचे।
ये कहाँ से आया था? यहीं से आया था। ले। हाँ। मत पानी में मत मत डालना। क्या वो बोल क्यों भाई? माउंटेन डाय पॉलिश उसको अगर। तो अभी हम लोग जा रहे हैं सीसू वाटरफॉल, यहाँ से 8 किलोमीटर 9 किलोमीटर बता रहा है। What you been looking for? Trust me, I don't wanna feel no more. तो भाई तुम्हारा पहुंच चुका है सीसू वाटरफॉल, और यहाँ पे मेरे पीछे है अटल कैफे। लेफ्ट साइड में सारे स्टॉल चाय है, जिसको नाश्ता वगैरह करना है वो भी वहाँ पे है, और यहाँ पे वॉशरूम है। वहाँ से बर्फ गिर रही है, वाटरफॉल है वो, स्नोफॉल हो रहा है, वो वाटरफॉल है बट पानी पूरा जम चुका है। यहाँ पे सारा जिप लाइन का पूरा लाइन से काउंटर है, अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो। तो यहाँ पे 7-8 काउंटर है जिप लाइन। मैं तो भाई नॉट इंटरेस्टेड इन जिप लाइन, नहीं भाई मेरे को डर लगती है। डरता क्या है? कैसा था भाई? गुड अमेजिंग, लाइक ठंड तो बहुत है, ठंड और ये इतनी दूर जाना, इसकी वजह से नहीं जा रहा हूँ। जिप लाइनिंग का ज़्यादा कॉस्ट नहीं होता है, 250-300 भी तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है। अभी 300-300 रुपया है सीजन में, 500 रुपया। सीसू की पार्किंग में जैसे ही आओगे वैसे ही सेकंड स्टॉल पे हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। यहाँ पे चल रही है जाना यार भाई लोग की, और मैंने मैगी की ऑर्डर दी हुई है। क्यूट सी आंटी बना रहे हैं मैगी एंड चाय। मैगी तैयार, गर्मा गर्म हमारी मैगी आ गई। ये गमरा गमम मैगी, गर्मा गर्म क्या बोला? गमरा गमम। ये कौन सी भाषा है भाई? ये ठंडी की भाषा है, पहाड़ों में मैगी खा रहे हम लोग। गरम गरम मैगी, मजा आ गया। अच्छा वो तरफ बिल्कुल अलग, अच्छा स्पीति अलग तरफ, वो अलग तरफ लाहौली तरफ को बिल्कुल मतलब तो स्पीति वैली अलग है, मतलब बिल्कुल अलग। ये रूट नहीं जाएगा, ये रूट तो जाएगा, ले लद्दाख जाएगा, लद्दाख जाएगा। स्पीति वैली के लिए अलग वाला, जो किन्नौर होके शिमला निकले। अच्छा किन्नौर होके जो रास्ता छोड़ के आगे से घूमा के लद्दाख के लिए रास्ता है, बहुत बढ़िया रास्ता है। उधर से रूट अलग है। हाँ उधर जो देखना है भाई, वो यहाँ से भी तेरे को पड़ेगा जम्मू कश्मीर साइड से जा सकता है, जा सकता है लेकिन बहुत लंबा पड़ेगा जम्मू कश्मीर। जी सब अलग अलग रास्ता बना हुआ पहाड़ में भी। और भाई लोग यहाँ पे मैगी खा रहे हैं, मैं खा चुका। यहाँ पे हमारा बन रहा है मोमोज, सिर्फ हाफ करना ना। हाँ जी, 5 पीस 10 पीस। चटनी आ गई, चटनी बहुत मिर्ची है। हाँ पॉली मैगी, 4 मैगी करो आंटी। हाउ इज द टेस्ट? बढ़िया है, और चटनी तो बहुत जबर की है, टेस्ट पसंद है और टेस्ट भी मस्त। कलर वाले जितने झंडे हैं, इसकी स्टोरी क्या है? इसमें मंत्र लिखा होता है, मंत्र लिखा हुआ है जैसे ओम नमः शिवाय वगैरह। अच्छा अच्छा, बुद्धिस्ट का मंत्र लिखा हुआ है इसके अंदर, मतलब तो मंत्र यहाँ पे लगाए हुए हर तरफ। तो जो कलर वाले जितने झंडे हैं सबके सब उसका उसके पीछे रीजन यही है। अच्छा सेफ्टी,
जिपलाइन करने का सोच रहा था अभी मैं, बट हवा बहुत ज्यादा चल रही है और हवा के साथ तू भी उड़ जाएगा। और ये रहा लेह लद्दाख वाला रोड जो ये जाता है, बहुत खूबसूरत रोड है ऐसा आंटी अभी हम लोग को बता रहे थे। बहुत सर पार्किंग कहाँ करने का? नहीं करने का, यहाँ रोड पे हेलीपैड ऊपर हेलीपैड था ना। हाँ कहाँ जाना अभी? यही अंदर नीचे जाना था सर। हो गया जहाँ हो गया टाइम होगा शाम का शाम जाओगे आप थोड़ी देर। अच्छा ठीक है ओके सर जी। शाम का टाइम हो गया आप थोड़ी देर में अटल टनल के पास जाओ जाओगे तुम। I hope you find what you've been looking for. Trust me, निकल के हम लोग पक्सर आ गए हैं। पक्सर और यहाँ पे ये जो पीछे देख रहे हो बाम्बू लगा हुआ है, यहाँ से रोहतांग पास 21 किलोमीटर है बट वो बंद कर दिया गया है क्योंकि बर्फ भर गई है रोड पे। 300 मीटर पे है जिप लाइन, पैदल जा सकते हैं। पैदल अभी हम लोग सोच रहे हैं आगे जाने का। चली तोंदी है, तोंदी 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 बहुत है तोंदी। फिर ना उन लोग ब्लैक आइस पे चढ़ रहे हैं, पिछले उसने जाएंगे बहुत बुरा। जाने देना अपन तो रोड पे चल रहे हैं ना, अपन कहीं नहीं जाएंगे। बैठ 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 देखो 500 रुपए ले लेगा वो। क्या सही है यार ये वाली पहाड़ी पे बर्फ ही नहीं है, ये वाली पहाड़ी पे देखो कुदरत का निजाम है सारा। क्या भैया सारे बंद कर रहे हैं? बंद बंद गाड़ी तो ऐसे दाविद डांस कर रहा है। ए दाविद कैच ए लोगों का फोन निकल रहा है। कुछ नहीं हुआ है बे, यहाँ पे देख ये है अटल टनल का साउथ पोल जो आता है कुल्लू मनाली डिस्ट्रिक्ट में। लाइट चालू हो गई है भाई। सेटली सेटली खचाक हो गया, फोटो सेशन कंप्लीट हो गया। चलो 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 जा रहे वापस घर। ए पहले होटल चलेंगे यार भाई। होटल पे क्यों बैठ, क्या करेगा इतनी ठंडी में घूम के साथ भाई। एड़ा बन चुके हैं एक लड़की को लड़की का कैमरा लेके फोटो खींच रहे हैं। तो नौसाद भाई तो वीडियो शूटिंग करना चालू कर दिए, वो भी नहीं हो पा रही है इतना फोटो। हाथ तो इनका कांप ही रहा है, लड़की को देख रहे खाली बस कुछ कर रहे हैं। नौसाद भाई देखो आ रहे हैं, देखो देखो खुशी खुशी आ रहे हैं चलते चलते। अबे यार हमारे गांव में इतनी ठंडी लाई पड़ा था भैया। अरे भैया वो लड़की के साथ क्या करा था भाव, लड़की फोटो लड़की फोटो के लिए मंगाया था। बज रहा है कुछ 9:30 और हम लोग जा रहे हैं मॉल रोड, खाना भी ना खाएंगे। अभी गाड़ी फंस गई है हमारी, यहाँ से ये हटेगी या तो ये हटेगी फिर ही निकल पाएगी वो। पैदल चल देते जा 1 किलोमीटर तो पहुँच हम लोग आ रहे। थैंक यू भाई। एक दिन की बात है, कुछ कम करो। पचास की पोती फाड़ो। कल रात में 100 रुपया दिया, 1 ही घंटा रुके थे हम लोग। पहले फाड़ो 50 बोले। सब जाना है, खाना खा के वापस आना है। क्या 00 हाँ तो 100 रुपये की एंट्री है कमरे में आ गई ना गाड़ी। ऑल रोड की जो पार्किंग है पेड पार्किंग वो 100 रुपये की 4 घंटा है, हम लोग 50 रुपये की ले लिए। अभी मॉल रोड आए हुए थे, यहाँ पे हम लोग वो जो लोकल टोपी मिलती है यहाँ की हिमाचल की वो देख रहे थे। कर रहे 1 दर्जन का भाव लगा दिए लेकिन भाव नहीं कम कर रहे। बहरहाल अभी तो हम लोग यहाँ पे आ गए वापस जाके आए थे वैष्णव फूड कॉर्नर। इसके डिनर में है लच्छा पराठा, तंदूरी रोटी, पनीर 2 प्याज, राई, दाल तड़का, ग्रीन चिल्ली आ रही है। हम खाते हैं और आपसे मिलते हैं बाद में। ठीक फॉलो नहीं किया तो अभी तक फॉलो कर दीजिए। ये वीडियो यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। और अभी है -3,
अगर ये वीडियो पसंद आएगा फॉर व्हाटएवर रीजन तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। बाय। रोहतांग ATAL है साले। अच्छा यू टनल में था मैं, ये साउथ हो गया। हाँ। सही बोल रहा था, यू टनल में था। वही मैं भी हैरान था एक्टर कहां से। पिरोटीप। हां।